कोई नेहरू प्लेस, अब ना पीसी बिल्डिंग की मार्केट कम, बिग बॉस का सेट ज्यादा बन गया है। ये जीएसटी का स्कैम भी जीने नहीं दे रहा हमको। आज मैं आपको बताता हूँ जीएसटी का झोल होता क्या है दीपक भाई। वैसे मुझे नहीं करनी चाहिए इन सब चीजों के बारे में बात, एक बंदे का डायलॉग है नेहरू प्लेस घर का कलेश, तो उस बंदे की बात ये सुहाने सच। अच्छा ये मॉनिटर फ्री मिलने वाला है, मॉनिटर कीबोर्ड माउस हेडफोन फ्री है, खाली सीपीयू लेके जाओ, ये सारी चीजें फ्री है मेरे। एक लड़की जा रही है, लैपटॉप उसका गिर गया, भैया आपने मेरा लैपटॉप तोड़ दिया, अब मुझे नया। तो भैया देखो फिर से मैं एक ही चीज कहूंगा, सस्ता ढूंढो बहुत सस्ते से बचो, वरना आपके साथ हो जाएगा मोए मोए, और भाई का डायलॉग हो जाएगा सच। तो फिर से आ चुका हूँ मैं नेहरू प्लेस, और मेरे पीछे पूरी नेहरू प्लेस की मार्केट देख सकते हो। आप लोगों की बहुत ही ज्यादा डिमांड आ रही थी भाई नेहरू प्लेस की वीडियो लेके आओ, इन्फिनिटी गैजेट्स की। मेरे साथ में अभी धीरज भाई। धीरज भाई कैसे हो आप? बहुत बढ़िया दीपक भाई, आप बताओ कैसे हो यार? बहुत बढ़िया। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेके 30,000 से 2 लाख तक के पीसी बिल्ड के बारे में, और ये जितने भी पीसी बिल्ड है ना फुल पीसी बिल्ड है विद मॉनिटर, और इनमें आपको स्पेशल ऑफर मिलने वाला है। क्या क्या मिलने वाला है दीपक भाई? स्पेशल ऑफर में सारा कंप्लीट सेटअप मिलने वाला है कस्टमर्स को। ये देखो फोन आ रहा है अभी से, देखो रुक नहीं रहे हैं फोन, ठीक है ऑफर रिवील हो गए थे, ठीक है सारा सेटअप, मतलब सीपीयू मॉनिटर कीबोर्ड माउस हेडफोन माउस पैड, बस टेबल नहीं दे रहा रखने के लिए, उतना छोड़ रहा हूँ बस टेबल नहीं दे रहा रखने के लिए, बाकी सारी चीजें दे रहा हूँ। कंप्लीट ऑफर्स आया है, क्रिसमस और न्यू ईयर के स्पेशल ऑफर निकाले हमने, जिस तरीके से क्रिसमस और न्यू ईयर का माहौल थोड़ा रंगीन होता है उस टाइप का लग्जरी रंगीन माहौल हमने बनाया आज दुकान में आप लोगों के लिए। काफी ज्यादा मजा आने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और इस वीडियो में हम भाई इंपोर्टेंट चीजों पे बात करने वाले हैं, मतलब मार्केट में अभी क्या स्कैम चल रहा है, किस तरीके से आप बच सकते हो। बहुत तरह के स्कैम चल रहे हैं दीपक भाई, देखो अलग अलग तरह के स्कैम होते हैं। तो अभी हम स्टोर के अंदर चलते हैं और सभी चीजों के बारे में जानते हैं। आगे स्टोर के अंदर हमने यहाँ पे अपनी सारे पीसी सेटअप कर लिए, लेके 30,000 से लेके 2 लाख तक, और ये फुल पीसी बिल्ड है, सबके साथ में मॉनिटर आपको मिलने वाला है, और सभी के साथ में आपको फ्री गिफ्ट मिलने वाले हैं जो कि हर वीडियो मिलते हैं आपको। तो धीरज भाई कहाँ से स्टार्ट करने वाले हम? तो यार दीपक भाई आज हम स्टार्टिंग करने वाले सिर्फ 30,000 रुपए से, और उससे पहले यार मैं बता दूं आप लोगों को, नेहरू प्लेस अब ना पीसी बिल्डिंग की मार्केट कम, बिग बॉस का सेट ज्यादा बन गया है। ऐसा हो गया, आपने देखी नहीं क्या वीडियो सब स्टोरों की? एक लड़की जा रही है, लैपटॉप उसका गिर गया, भैया आपने मेरा लैपटॉप तोड़ दिया, अब मुझे नया दो, चलो मैं लेके चलता हूँ स्टोर में। यार इस टाइप का कंटेंट ठीक है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, बट बिग बॉस का सेट बन गया है, मैं इसलिए कह रहा हूँ नेहरू प्लेस मार्केट, क्योंकि अब जो कंटेंट आ रहा है ना दुकानों का, दैट इज नॉट इन्फॉर्मेटिव, दैट इज लुक्रेटिव। तो उससे होता क्या है कि कस्टमर का लॉस हो, कंटेंट देख के लोग दुकानों पे चले जाते हैं, विश्वास कर लेते हैं यार पीसी लेने जा रहे हो, वहां पर भी आपको इस तरह कंटेंट देखने को मिल रहा है, तो इन्फॉर्मेशन क्या गेन कर रहे हो? ठीक है, मतलब कंटेंट कैसा भी हो पर उस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बढ़ाने के लिए तो सही होता है वैसा कंटेंट, बट अगर कस्टमर एक्चुअल में सोचे कि कहां इन्फॉर्मेशन सही मिल रही है, किसको नॉलेज है, कौन सही पार्ट्स मुझे देगा कि नहीं देगा, कौन मेरे पैसे का सही यूटिलाइजेशन करके देगा कि नहीं देगा, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस कहां पर अच्छी मिलती है, तो इस सारे फैक्टर्स अगर सोचे जाए तो भैया वही है कि बिग बॉस के सेट से कम नहीं हो रहा। पहला पीसी हमारा, चलो दिखाते हैं आपको पहला वाला पीसी है यार, एकदम जिसके पास टाइट बजट है, लेकिन भैया उसने करनी है अच्छी खासी ठीक ठाक लेवल पे गेमिंग भी, और जो है थोड़ी बहुत एडिटिंग भी करनी है, थोड़ा बहुत 3D का काम है, ग्राफिक्स का काम है, इस तरीके का काम है, उन भाइयों के लिए उन कस्टमर्स के लिए ये वाला सिस्टम हमने डिजाइन किया है मात्र 32,000 रुपीज में। लेकिन 32,000 में क्या क्या मिल रहा है वो सुनना भैया एक बारी। 32,000 रुपीज में आपको मिल रहा है इंटेल का i7 प्रोसेसर, खुला वाला नहीं बेचते हम, जनरेशन इसकी पुरानी है, ठीक है थर्ड जनरेशन है, लेकिन वो भी खुला नहीं है, लोग खुला बेचते हैं, कोई भी चीज खुली नहीं दूंगा। i7 का प्रोसेसर मिल रहा है आपको, सर्कल गेमिंग की तरफ से आने वाली 500 वॉट की पावर सप्लाई मिल रही है इसमें, H61 मदरबोर्ड मिल रहा है 3 साल वारंटी के साथ दीपक भाई, 8 GB की रैम इसके अंदर दी जा रही है, 512 GB की स्टोरेज अपनी SSD दी जा रही है इसके अंदर, और भाई ये सुंदर सा लैब केयर का Li-ion का O11 डायनामिक आता है ना उसका छोटा वर्जन है, ये वाला कैबिनेट आपको दिया जा रहा है कि भैया लुक्स के साथ भी कॉम्प्रोमाइज ना हो इसके अंदर, और भैया i7 प्रोसेसर तो ले लिया इतना हैवी हमने, गेमिंग तो हो जाएगी, लेकिन ग्राफिक कार्ड भैया आप देख के हैरान हो जाओगे, 4 GB का Asus ROG Strix RX 560 ग्राफिक कार्ड इसमें यूज किया गया है। तो भैया ये देखो ओवरऑल इस पीसी के लुक्स भी बहुत अच्छे आने वाली है बनने के बाद, और पीसी की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी आने वाली है 32,000 रुपीज में, इसी की कॉस्ट बैठ जाएगी 30,000 मोटी मोटी अगर देखने जाओगे तो, क्योंकि सारा ब्रांडेड सामान दे रहा हूँ मैं, कोई हम ये नकली सी पावर सप्लाई ये सब वो सब हम यूज नहीं करते, हल्का सामान बढ़िया सामान यूज किया जाता है यहाँ पे, क्योंकि हमारे कस्टमर्स को सर्विस हम अपने स्टोर से ही देते हैं यार। तो इसमें पीसी तो हो गया, साथ में मैं क्या दे रहा हूँ आपको दीपक भाई, साथ में मैं दे रहा हूँ कीबोर्ड माउस का कॉम्बो फ्री, जो कि हर वीडियो में मिलता है, हर वीडियो में मिलता है आपको, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड माउस हो गया भैया, हेडफोन भी हो गया इस बार फ्री, और भैया साथ में हो गया ये दीपक भाई मॉनिटर फ्री, मॉनिटर भी यार वो 2,000 वाले नहीं यार, 2,000 वाले मैं कह रहा था ना, वो जो क्रिंज कंटेंट की बातें मैं थोड़ी सी कर रहा था, वहां दिए जाते भैया आपको 2-3 हजार वाले मॉनिटर, ठीक है तो वो नहीं, हम आपको दे रहे अच्छी क्वालिटी का IPS पैनल का
बेजल लेस मॉनिटर और इतना पतला मॉनिटर है ना, व्हाइट कलर का एकदम स्लीक मॉडल है, एकदम स्लीक पेपर थिन मॉनिटर है एकदम। ये वाला मॉनिटर आपको फ्री है, तीनों चीजें फ्री है आपके, तीनों चीजें फ्री है आपकी, मॉनिटर कीबोर्ड माउस हेडफोन तीनों चीजें फ्री है। तो दीपक भाई सीनियर है 32,000 में, कीबोर्ड माउस वो भी गेमिंग वाला, ठीक है, जेब्रोनिक्स का नहीं है, किसी और कंपनी का नहीं है, एंटी स्पैच का, और हेडफोन भी भैया ये इंटेक्स लाल डब्बे पीले डब्बे सब नहीं भैया, कॉस्मिक बाइट का प्रॉपर अच्छा गेमिंग हेडफोन आपको गिफ्ट मिल रहा है। और मॉनिटर भी मैंने आपको दिखा दिया, अच्छा आईपीएस डिस्प्ले वाला फ्रेमलेस स्लिम डिजाइन वाला अच्छा मॉनिटर आपको दिया जा रहा है इसके साथ, एंड 32,000 इज इंक्लूडिंग जीएसटी। ये जीएसटी का स्कैम भी जी ने नहीं दे रहा हमको, कस्टमर आते हैं, मतलब मैंने किसी कस्टमर को 50,000 में कोई पीसी की कोटेशन दे दी, कस्टमर आता है थोड़ी देर घूम घाम के आता है मार्केट में, कहता है ये देखो भैया 40 में मिल रहा है। अब यार दीपक भाई तीन चीज होते हैं, मान लो मेरे को खरीद है एक पेन, या तो वो नॉर्मल प्राइस पे मिल रहा है, या वो महंगा मिल रहा है, या वो सस्ता मिल रहा है, तीन चीजें हो सकती है, बहुत सस्ता सस्पिशियस होता है कि नहीं होता। सिंपल सी बात है भाई, मैं देखो मैंने इतनी मार्केट घूम ली, इतने स्टेट में मैं घूम लिया, एक चीज मैं आपको बताऊं, सभी का प्राइस सेम रहता है, सभी के एक ही जगह से कंपोनेंट आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर एक ही रहता है मार्केट का, वो कम ज्यादा कैसे कर रहे हैं उसमें फिर कंपोनेंट का झोल हो सकता है, जीएसटी का झोल हो सकता है, वो चीजें होती है भाई, प्राइस सेम रहता है। आज मैं आपको बताता हूँ जीएसटी का झोल होता क्या है दीपक भाई, वैसे मुझे नहीं करनी चाहिए इन सब चीजों के बारे में बात की, लेकिन मैं आपको बता दो जीएसटी का झोल होता है, मान लो कोई 100 रुपए की चीज है, हमारी इंडस्ट्री में जीएसटी 18%, 100 रुपए की चीज है, अगर मैं उसका बिल खा जाता हूँ 18% तो कितने हो गए, 100 में से 18 गए 82, तो मेरे को वो चीज पड़ी 82 रुपए की, तो 100 रुपए की बात है। अब आप 1,00,000 का 18% कितना हो गया, 18,000 रुपए, अगर कोई 1,00,000 की चीज है अगर मैं उसका बिल खा जाता हूँ तो 18,000 सस्ती तो मुझे पैसे पड़ गई, लेकिन उसका नुकसान है भैया, आपको नुकसान क्या है, बहुत चीजें बहुत अलग अटरम नुकसान है, दुकानदार को भी अगर कोई पक्के पे काम करता है, हमारा देखो पक्के पे काम है, ये रहा हमारा जीएसटी सर्टिफिकेट यहाँ पे फ्रंट पे हमने तो लगा रखा है, सारा अपना जीएसटी पे काम रहता है दीपक भाई, एंड इनफैक्ट हमारे जो क्लाइंट्स है वो भी सारे के सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज, ज्यादातर जो हमारे बल्क ऑर्डर्स जाते हैं कॉर्पोरेट ऑफिसेज में, स्टूडियोज में, फिल्म प्रोडक्शन हाउसेज में, यहाँ पे जाते हैं, हमारा सारा जीएसटी पे काम चलता है, एंड इनफैक्ट ये 32,000 वाला पीसी भी मैं जीएसटी बिल पे ही दे रहा हूँ, किसी को अपनी फर्म के नाम पे चाहिए हो भैया बेझिझक होकर लेके जाओ, 18% का इनपुट मिलेगा उल्टा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 32,000 का बिल, जो काफी जबरदस्त बिल है, और अपने हिसाब से इसमें कस्टमाइजेशन भी करा सकते हैं, करा सकते हो आप, मॉनिटर छोड़ दो मैं आपको और सस्ता दे दूंगा, या आप कीबोर्ड माउस, चलो गिफ्ट तो दूंगा ही दूंगा यार, गिफ्ट नहीं छीनूंगा मैं आपसे, गिफ्ट आपके पूरे यूके ही है, बट अगर मॉनिटर बड़ी कमोडिटी है, हालांकि ये भी गिफ्ट ही है 32,000 में आप लोगों को, बट स्टिल ये नहीं चाहिए तो मैं आपका अमाउंट इसका लेस कर दूंगा और सस्ता मिल जाएगा। और उसके अलावा यार अगला पीसी है दीपक भाई हमारा, अगला पीसी है सिर्फ और सिर्फ 59,000 रुपीज का, 59,000 रुपीज में बताता हूँ मैं क्या दे रहा हूँ आपको, 59,000 रुपीज में हम आपको दे रहे भैया राइजन 5 का प्रोसेसर 5500, राइजन 5 5500 बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है प्राइस रेंज के हिसाब से, ये आता है 6 कोर 12 थ्रेड के साथ दीपक भाई। तो आज के जमाने में ना, अब किसी को जैसे ठीक ठाक पीसी चाहिए आज के जमाने का, तो मेरे हिसाब से 6 कोर 12 थ्रेड इज बेंचमार्क, इससे नीचे मत जाओ, अगर आज का जमाने का सब चीज़ वो 32,000 वाला पीसी तो चलो ठीक है उनके लिए है, जिनका लिटरली बजट टाइट है और उनको इससे आगे बढ़ना भी नहीं है ना इससे कुछ अपग्रेड करना है, बस वो चाहते हैं कि 30-35 में कीबोर्ड माउस हेडफोन मॉनिटर सेटअप उसका सेटअप और सुंदर भी हो देखने में और परफॉर्म भी अच्छा करके दे, उनके लिए बढ़िया सेटअप है, कोई इसमें घाटा नहीं है, 4-5 साल तो ये मशीन भी बहुत आसानी से निकाल देगी दीपक भाई, खैर वैसे तो किसने देखा है कल, लेकिन ठीक है 4-5 साल आराम से निकाल देगी, ठीक है। वारंटी कितने मिलने वाली है आपकी, वारंटी दीपक भाई 3, देखो सॉफ्टवेयर सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, ये टेक्निकल असिस्टेंस कोई भी हुई वो तो लाइफ टाइम फ्री है, जब तक हम दुकान चला रहे हैं, हम जिंदा है, हमारे चल रही है दुकान, तब तक आपके लिए टेक्निकल सपोर्ट फ्री है लाइफ टाइम। टेक्निकल सपोर्ट में क्या आता है, सॉफ्टवेयर री इंस्टॉलेशन, मान लो आपके पीसी को 3 साल हो गए मेरी दुकान से गए हुए, 4th साल में आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट की हेल्प पड़ रही है, विंडो क्रैश हो गया भैया कोई चार्ज नहीं लिया जाता हमारे यहाँ, चाहे आप 5 साल पहले पीसी लेके गए, आप आओ आप मेरे कस्टमर हो, आप बिल्कुल अपने दुकान समझ के आओ, और वो सब फ्री रहता है यार हमारे यहाँ। हार्डवेयर में जो ऑफिशियल वारंटी आती है, किसी की 3 आती हो, चाहे किसी की 1 साल आती हो, किसी की 5 साल आती हो, रैम की 10 साल आती है, जैसे कि वो सारा सपोर्ट सर्विस सेंटर तो दे ही रहा है बोल करके, बट मेरे स्टोर से भी वो सेम चीज एप्लीकेबल है। तो दीपक भाई ये जो हमारा पीसी है ना 59,000 वाला, अगेन मैं फिर से वही बोलूंगा, हमारी आदत नहीं है कि हम कम प्राइस बता दे बाद में जीएसटी का बिल फाड़े, नहीं भैया हमारी आदत है साफ सुथरी जीएसटी के साथ 59,000 का है। बात करते क्या क्या मिलेगा, राइजन 5 5500 6 कोर 12 थ्रेड वाला MSI का मदरबोर्ड है, B450A Pro Max, उसके अलावा भैया इसके अंदर 16GB रैम है, 8x2 T-Force Vulcans, बढ़िया वाली रैम लगा के देते, क्रूशल की रैम नहीं लगाते, 2666 MHz वाली, पैसे दे रहे हो तो पैसे दे रहे हैं वापस आपके, अच्छी जगह इन्वेस्ट करके, ठीक है। और उसके अलावा 512GB की NVMe SSD है इसके अंदर, 550W की एंटी स्पोर्ट्स की 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड पावर सप्लाई है दीपक भाई, और ये लैब केयर की तरफ से आने वाला 4 फैन ARGB कैबिनेट है। इस कैबिनेट की खास बात है दीपक भाई, इसके साथ एक रिमोट आता है छोटा सा, जिससे कि आप इसके फैंस की स्पीड को, लाइट को, ब्राइटनेस को, हर चीज को कंट्रोल कर सकते हो। ग्राफिक कार्ड मेन होता है
ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर तो बहुत अच्छा ले लिया 6 कोर 12 थ्रेड वाला, विच इज बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता है इसमें। जो इनिशियली एडिटिंग वगैरह सीखते हैं भाई हमारे, यहाँ गेमिंग करना चाहते हैं, इनफैक्ट स्ट्रीमिंग भी करना चाहते हैं गेमिंग के साथ साथ, सारी चीजें इस प्रोसेसर से पॉसिबल हो जाती है इन दिस बजट। ग्राफिक कार्ड इसके सपोर्ट में हमने लगाया है MSI की तरफ से आने वाला Mac 2X RX 6600, बहुत डिमांडिंग ग्राफिक कार्ड है 8GB के अंदर। प्राइसिंग भी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, ब्रांड भी अच्छी है, सारी चीजें अच्छी है। दोनों आपको AMD के मिल रहे हैं, CPU भी GPU भी, साथ में कैबिनेट की विशेषता है खास रूप से मैंने बता दी थी कि भैया रिमोट मिलता है आपको इसके साथ में। और क्या मिल रहा है इस पीसी के अंदर, और मिल रहा है मेरे भाई आपको यहाँ पर मैकेनिकल कीबोर्ड गिफ्ट। दिस इज इल्यूम टैक की तरफ से आता है, मैकेनिकल कीबोर्ड होता है फुल साइज आपका, ये ब्लू कीज के साथ आता है दीपक भाई। ओके, मतलब मैकेनिकल कीबोर्ड बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, मैकेनिकल कीबोर्ड फ्री मिलने वाला है, ये तो कुछ नहीं है मेरे भाई। मैकेनिकल कीबोर्ड की इसकी कॉस्ट ही आपकी 2,500 रुपए है, ठीक है, ये गिफ्ट मिलने वाला है मैकेनिकल कीबोर्ड आपको। साथ में दीपक भाई माउस ऐसा दे दूंगा ना, माउस ऐसा दे दूंगा देख के भाई बंदे कहेंगे अब भी आ रहा हूँ पीसी लेने, अब भी आ रहा हूँ, मजा आ गया। ये देखो भैया रेड ड्रैगन की तरफ से आता है सेंट्रीफ्यूरस माउस, ठीक है, अकेला माउस ही 1,200-1,300 रुपए का है ये, ठीक है, ये वाला माउस आपको गिफ्ट मिलने वाला है मेरे भाई पीसी के साथ कम्प्लीटली। सो देखो होता क्या है ना, अब वो जो कीबोर्ड माउस का गिफ्ट मैंने दिया है 32,000 वाले पीसी के साथ, दिवाली पे हमने छिक्के बांटे हैं हर पीसी के साथ, ठीक है। अब मैंने सोचा भाई न्यू ईयर और क्रिसमस पार्टी का माहौल होता है, लग्जरी माहौल होता है, गिफ्ट भी लग्जरी होने चाहिए ऐसे ऑफर में ना, पार्टी के माहौल में लग्जरी गिफ्ट जब तक ना दो तो फील नहीं आती। तो भाई लग्जरी गिफ्ट मिलने वाले आपको मैकेनिकल कीबोर्ड एंड ये गेमिंग माउस प्रॉपर, अकेले इन्हीं की कीमत 5,000 के आसपास है आपकी। बस यहाँ कहानी खत्म नहीं हो रही 59,000 रुपीज में, पूरे 60,000 भी नहीं ले रहा दीपक भाई मैं, 59,000 में अभी कहानी और बाकी है, 1,000 बच जाएगा आने जाने का, आने जाने का, ठीक है, ये मत बोलना कि आपके पैसे छीन लिए भैया ने, ठीक है। कहानी भैया अब खत्म होगी कहानी, यहाँ देखो आप MSI का मॉनिटर है 24 इंच, और भैया वाइड व्यूइंग एंगल IPS पैनल, और लो ब्लू मोड है इसके अंदर, 100 Hz का रिफ्रेश रेट है, और भैया बिल्ट इन स्पीकर है इसके अंदर, बहुत तगड़ा मॉनिटर है, 100 Hz रिफ्रेश रेट, 100 Hz 24 इंच। लोग कह रहे 60 Hz वाला 75 Hz वाला दे दिया, अब मेरा कोई भाई मुझे 59,000 रुपीज देके जा रहा है, मैं चाहता हूँ भैया मैं उसको पूरा पैसा कैसे ना कैसे कवर करा के दूं, खुशी होनी चाहिए बंदे को, हाँ भाई सामान दिया है बंदे ने जेन्युइन, ठीक है। पांच लोगों को बताए भाई जाके, ये हमारा मोटो होता है दुकान में भाई, कि पांच लोगों को जब तक नहीं बताया मजा नहीं आया दुकानदारी करने में या उसको खरीदने में। तो अपना 59,000 वाला पीसी हो गया दीपक भाई, इंक्लूडिंग GST, MSI का मॉनिटर, Ryzen 5 5500, B450 MSI, RX 6600 MSI, 16GB T4 की RAM, 512GB NVMe, मैकेनिकल कीबोर्ड भैया, गेमिंग माउस 1200 वाला, और 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड पावर सप्लाई, धुआंधार कैबिनेट, एक रिमोट के साथ बैठो और बस क्रिसमस के लाइटें चेंज करते हैं, मजे लो, ठीक है, सेंटा क्लॉज घर पे ही आ जाएगा, समझ लो भाई मैं ही सेंटा क्लॉज हूं इस बार तुम्हारे क्रिसमस पे, इतने तगड़े तगड़े गिफ्ट आप लोगों को दे रहा हूं, तो सेंटा क्लॉज से कम नहीं हुआ ये, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट बिल के बारे में बात करते हैं, थोड़ा और बजट बढ़ाते हैं हम, इस बिल के बारे में बात करते हैं भाई, इसमें हमने क्या कॉन्फिगरेशन मतलब क्या कंपोनेंट डाले। देखो यार किसी का डायलॉग है वो मेरा नहीं है, मैं कॉपी नहीं करना चाहूंगा, बट एक बंदे का डायलॉग है नेहरू प्लेस घर का कलेश, तो उस बंदे की बात ये सोहाने सच है, ठीक है, उस बंदे की ये बात सोहाने सच है, आज भी वो कलेश हो रहा है मार्केटों में। होता क्या है, जैसे दो बंदे आए पीसी लेने ना, बहुत कम लोग ऐसे होते जो अकेले आते हैं, या तो लोग अपनी फैमिली को लेके आते हैं, या लोग अपने दोस्तों को लेके आते हैं, या लोग अपने कजन्स को लेके आते हैं, या रिलेटिव्स को, कोई ना कोई उनके साथ होता है, चाहे कोई छोटा बच्चा खरीदने आओ, चाहे कोई बड़ा आदमी खरीदने आओ, कोई ना कोई जरूर होता है उनके साथ। और वो जो एक कोई साथ ऐसा होता है, या तो किसी के साथ समझदार है तो ठीक है, और किसी के साथ ज्यादा समझदार बंदा आ जाता है ना, तो बेचारे लेने वाले की लेनी हो जाती है, ठीक है, तो ये हो जाती है कहानी, फिर बन जाता है नेहरू प्लेस घर का कलेश, ठीक है, चलो कोई नहीं, ये बातें तो समझ में आती है उन लोगों को, वो लोग रिलेट कर पाएंगे इन डायलॉगों से जो बात चल रही है यहाँ पे, जो लोग विजिट कर चुके हैं नेहरू प्लेस, जिनके साथ में हो चुका है वो रिलेट कर पाएंगे मैं क्या बातें कर रहा हूँ। हम बात करते हैं फिलहाल इस पीसी के बारे में, 75,000 मेरे भाई, 75,000 रुपीज। लेट्स टॉक की क्या दे रहे हैं, बहुत ही जेनेरिक कॉन्फिगरेशन है जो हम दे रहे हैं दीपक भाई, बहुत कॉमन है ये कॉन्फिग मैंने 55-60 में भी दी है, लेकिन इतने सारे सामान के साथ, ठीक है, इतने सारे सामान के साथ नहीं, ऑफर बहुत तगड़ा है बता देता हूँ आपको मैं। 12400F इंटेल का 12400F मोस्ट डिमांडिंग प्रोसेसर इन द इंडस्ट्री राइट नाउ, अगर किसी को कोई कॉमन सा एक CPU एक लो बजट में बनाना होता है 50-60 हज़ार का, दिस CPU इज द प्रेफरेंस ऑफ ऑल द पीपल। इस बजट में 5600X को बढ़िया बीट कर दिया इसने, 12400F प्राइसिंग के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में बेस्ट है भाई, दोनों में बेस्ट है। और भैया इसके साथ जो मदरबोर्ड दिया है दीपक भाई, हमने इस बार ही मदरबोर्ड दिया है वाईफाई ब्लूटूथ इनबिल्ट, H610 MSI का वाईफाई ब्लूटूथ इनबिल्ट मिल जाएगा आपको इसके अंदर। और भैया 16GB की रैम, 16GB से नीचे बात नहीं हो रही है, चाहे 32,000 का सिस्टम था वहाँ भी 16GB दी है, 59,000 का सिस्टम था यहाँ भी 16GB दी है, यहाँ पर भी 16GB दिया, 16GB अब बेंचमार्क सेट कर रहा हूँ मैं, इससे नीचे रैम लो ही मत। तो 16GB रैम है, 1TB की NVMe SSD इसके अंदर दीपक भाई, और सिस्टम को पावर देने के लिए सर्कल गेमिंग की 650 वोल्ट की 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड पावर सप्लाई यूज किया यहाँ पे, और आपको GPU और CPU का अच्छा कॉम्बो मिले और परफॉर्मेंस अच्छी मिले गेमिंग में, स्ट्रीमिंग में, एडिटिंग में, रेंडरिंग में, 3D डिजाइनिंग में, हर काम में। उसके लिए Zotac का RTX 3060 Ti यहाँ पर
का यूज किया गया दीपक भाई, जो कि आता है 8GB VRAM के साथ। तो अगर कोई मेरा भाई RTX 4060 लेने की सोच रहा है, इट्स बेटर कि मैं 4060 भी दे दूंगा इसके साथ किसी को लेना हो, बट देयर इज नो पॉइंट। उससे बेटर चीज मैं आपको दे रहा हूँ 3060 Ti 8GB वेरियंट है, बढ़िया वेरियंट है। और इसके साथ भाई मैं आपको दे रहा हूँ, पहले तो सीपीयू की बात कर लेते हैं, 12400F 16GB रैम 1TB NVMe 650W की सप्लाई RTX 3060 Ti। और ये गेम डियास का बहुत सुंदर सा कैबिनेट मेरे भाई, बहुत सुंदर कैबिनेट है, इसमें जब बिल्ड बनता है बढ़िया निखर के आता है बिल्ड। तो ये हमारा हो गया सीपीयू, ठीक है दीपक भाई। बात कर लेते हैं गिफ्ट की, तो मैं आपको हेडफोन है, मैकेनिकल कीबोर्ड है भैया सेम वाला, और वही अपना रेड ड्रैगन वाला माउस है इसके अंदर, ठीक है, ये भी गिफ्ट में मिल रहा है आपको। कहानी यहाँ खत्म नहीं हो रही है, प्राइसिंग मैंने बताई थी 75,000, 75,000 में कहानी यहाँ निमट नहीं रही है, कहानी तो शुरू होती है भैया, क्योंकि अब मेरा जो भाई इसको लेके जाएगा वो गेमिंग कैसे करेगा, वो गेमिंग करेगा इस मॉनिटर में भैया। 144Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 1ms का रिस्पॉन्स टाइम मिल जाता है, वाइड व्यूइंग एंगल मिल जाता है, AMD का FreeSync मिल जाता है इसके अंदर, और भी तगड़े फीचर्स है, बेजल लेस मॉनिटर है, कोई बेजल देखने को नहीं मिलेंगे आपको, और ये कम्प्लीटली फ्री है इस वाले सिस्टम के साथ भैया मॉनिटर। अच्छा, ये मॉनिटर फ्री मिलने वाला है, मॉनिटर कीबोर्ड माउस हेडफोन फ्री है, खाली सीपीयू लेके जाओ, ये सारी चीजें फ्री है मेरे भाई। भाई पीसी से ज्यादा तो ये मॉनिटर कीबोर्ड माउस हो गई, एग्जैक्टली 2000 का कीबोर्ड है, 1200 का माउस है भैया, 1200 का हेडफोन भी है भैया, और उसके बाद 11-12 हजार का मॉनिटर भी है। तो ये सोच समझ के ऑफर निकाले गए आप लोग के लिए कि भाई क्रिसमस न्यू ईयर बढ़िया सेलिब्रेट करो। अब दीपक भाई ये सारे हमारे जो सेटअप थे ना अभी तक तीन, ये थे फुल HD अच्छे लेवल पे गेमिंग कराने के कैपेसिटी रखते हैं। अब भाई किसी मेरे भाई को 2K करनी है बहुत अच्छे लेवल पे, उसके लिए सिस्टम डिजाइन किया हमने। तो यार दीपक भाई ये जो सिस्टम है ना, वैसे तो 4K रेडी है बट 2K के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट है। इसके अंदर बताता हूँ क्या क्या यूज किया हमने। पहले प्राइसिंग की सबको खुजली होते हैं, बता देता हूँ 1,40,000। और भाई कपड़े चेंज इसलिए हो गए, ब्रेक लिया था हमने बीच में क्योंकि सर्दी लग रही थी मुझे। गाइस इसमें बता देता हूँ क्या क्या यूज किया गया। इसके अंदर 13700 के i7 का 13 सीरीज का 13 जनरेशन का K वेरिएंट अनलॉक्ड होता है ये। इसके बाद B760 गेमिंग AC यानी कि वाईफाई ब्लूटूथ इनबिल्ट है, DDR5 B760 मदरबोर्ड यूज किया गया है, Corsair की 16GB DDR5 की रैम यूज की गई है, और भी 1TB की NVMe Gen 4 की SSD यूज की गई है, 750W की 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड पावर सप्लाई यूज की गई है दीपक भाई, और ये प्यारा सा 4 ARGB फैंस वाला कैबिनेट यूज किया गया है, और प्रोसेसर जब के वेरिएंट है तो भैया ठंडा तो करना पड़ेगा, स्टॉक कूलर उसके साथ नहीं आता है, तो डीप कूल का लिक्विड कूलर यूज किया गया है, 240mm का AIO यूज किया गया इसके अंदर मेरे भाई, और ग्राफिक कार्ड है 3070 Ti। तो i7 के साथ 3070 Ti लाइक इज अ परफेक्ट कॉम्बो, बने हैं एक दूसरे के लिए, बने एक दूसरे के लिए वो वाला सीन है। तो बहुत बढ़िया इनका कॉम्बिनेशन बैठता है, बॉटल नेक के जीरो चांसेस है, बहुत अच्छा कॉम्बो बैठता है सीपीयू जीपीयू का। उसके बाद भैया गिफ्ट की बात करते हैं, गिफ्ट में मिलेगा यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रीमियम कीबोर्ड, बहुत बढ़िया कॉस्मिक बाइट का थेमिस व्हाइट कलर का, ये सुंदर सा कीबोर्ड आपको फ्री गिफ्ट है इस पीसी के साथ, और भैया रेड ड्रैगन का सेंटर ऑफ फ्यूरस ये सुंदर सा गेमिंग माउस गिफ्ट है आप लोगों के लिए। और भैया जैसा मैंने बोला था 2K गेमिंग के लिए सिस्टम रहने वाला है, तो सर जी 2K मॉनिटर भी मिलेगा आपको फ्री। अच्छा फ्री मिलेगा ये 2K मॉनिटर फ्री, ठीक है, G27QC। अब इसके बारे में बताता हूँ, गीगाबाइट का मॉनिटर है, 27 इंच का साइज रहता है, क्यू का मतलब है QHD, दैट मीन्स 2K मॉनिटर हो गया, सी का मतलब है चूतिया नहीं कर्व, ठीक है, सी का मतलब है कर्व, 27 इंच 2K मॉनिटर कर्व है, और भी रिफ्रेश रेट है 165Hz, और इसकी जो रेडियस होती है ना कर्व की दैट इज 1500, और उसके बाद बिल्ट इन स्पीकर्स भी है इसके अंदर दोनों साइड में, छोटे छोटे प्यारे से आवाज आती है जिसके अंदर से, और भी काफी फीचर्स है इसके अंदर जो कि अभी बताने लग गए तो शाम हो जाएगी ऑलरेडी हो रखी है, रात हो जाएगी। 1,40,000 में 13700 के 3070 Ti, और भैया 750W की सप्लाई, 16GB DDR5 रैम, 1TB Gen 4 SSD, और मेरे भाई हेडफोन तो बताने ही भूल जाता हूँ मैं हर बार, ये लो गेमिंग हेडफोन भी गिफ्ट है मेरे भाई ये लो, ठीक है, और ये प्यारा सा कैबिनेट लिक्विड कूलर वूलर, और भाई घमासान मॉनिटर अड्रम बड्रम सेड्रम ये सब कुछ 1,40,000 में इंक्लूडिंग GST है। तो ये पूरा पीसी बिल्ड हो गया 1,40,000 का, और उसके साथ में ये सब आपको फ्री मिलने वाले हैं। और अगर किसी को गिफ्ट लेना हो लेके जा सकते भाई, देखो खाली गिफ्ट लेके जाना होगा ना तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि आपको दुकान में घुसने के बाद बताई जाएगी, ठीक है। ये ऑफर जितने भी मैंने आज दिए ना दीपक भाई, स्ट्रिक्टली ये ऑफर वैलिड है सिर्फ और सिर्फ न्यू ईयर तक, न्यू ईयर के फर्स्ट वीक तक, जब से वीडियो अपलोड हुई है तब से लेके न्यू ईयर के फर्स्ट वीक तक ये ऑफर सारे वैलिड है। कोई शिकायत नहीं आएगी ये नहीं दिया वो नहीं दिया, सब जो दिखा रहा हूँ मैं वही दूंगा दीपक भाई। तो यार दीपक भाई ये थे हमारे मॉनिटर्स के 7 ऑफर, बट जो लास्ट वाला पीसी है वो मॉनिटर मैंने उसमें जान पूछ के इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि जो बंदा इतना महंगा पीसी ले रहा है 1,83,000 का ये पीसी बिल्ड है, तो यार ऑब्वियस है कि मैं उसकी मॉनिटर की प्रेफरेंस शायद ना समझ पाऊं, तो मॉनिटर मैंने कस्टमर पे ही छोड़ दिया इसमें, बट यस बाकी के सारे ऑफर्स इसमें एप्लीकेबल है जो थे हमारे। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, सबसे पहले यार इसमें जो प्रोसेसर यूज किया गया है दैट इज द लेटेस्ट प्रोसेसर i7 14700K, 14 Gen का i7 का K वेरियंट है, अनलॉक वेरियंट है ये। तो अगेन इसको ओवरक्लॉक किया जा सकता है, इसके कोर थ्रेड ज्यादा अच्छे होते हैं K वाली सीरीज के, ये
इसकी गीगाहर्ट्ज़ ज्यादा होती है, कैश मेमोरी भी ज्यादा होती है, तो बढ़िया प्रोसेसर होता है ओवरऑल ये और नॉर्मल वाले वेरिएंट से हमारे। इसके लिए मदरबोर्ड हमने यूज किया है MSI का प्रो Z790S Wi-Fi, तगड़ा मदरबोर्ड है, DDR5 बेस्ड मदरबोर्ड यूज किया गया है जिसके अंदर Wi-Fi ब्लूटूथ इनबिल्ट आता है और 4 RAM स्लॉट आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इतना हैवी सिस्टम है तो यार RAM भी हमने इसके अंदर 32 GB यूज किया, 16x2 DDR5 5200 MHz Corsair Vengeance की, और इसके अंदर SSD यूज की गई है EVM की 1TB की Gen 4 SSD है, देख सकते हो आप Gen 4 SSD है, 5000 MBPS के साथ आती है, 5 साल वारंटी के साथ ये Gen 4 SSD आती है, ये वाली SSD यूज की गई है इसके अंदर। और भैया इसके अंदर कैबिनेट यूज किया गया है गेम डियास की तरफ से आने वाला ARGB 4 फैंस के साथ, सामने से आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इस कैबिनेट की लुक आती है, और इसका ये वाला हिस्सा ना ये हट भी जाता है क्लीनिंग के लिए, क्लीनिंग बहुत ईजी है इसमें, इसको आप वॉश भी कर सकते हो, वॉश करके लगा सकते हो, बहुत हैवी कैबिनेट है ये, और पंखे कितने सुंदर है, इजी टू क्लीन है कैबिनेट, बहुत तगड़ा कैबिनेट है। अब भैया प्रोसेसर है i7 14700 के, ठंडा कैसे करेंगे, ठंडा ऐसे करेंगे, गेम डियास का ही 240mm का लिक्विड कूलर है दीपक भाई इसके अंदर, जो कि ARGB है, और इसकी खास बात क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ये लिक्विड कूलर है हमारा डिस्प्ले वाला, तो इस लिक्विड कूलर का ये जो हेड होता है जो हमारे CPU को ठंडा करता है, CPU के ऊपर रखा जाता है, इस हेड के अंदर है ये IPS डिस्प्ले, इस IPS डिस्प्ले के अंदर आप अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो, आप अपनी वाइफ की फोटो, अपने बच्चों की फोटो, अपने मम्मी पापा की फोटो, अपने पेट्स की फोटो, या अपनी खुद की फोटो, या अपनी फेवरेट प्लेस की फोटो, जस्ट नेम इट, कोई भी फोटो, इनफैक्ट वीडियो, दोनों में से कोई भी आप इसके अंदर लगा सकते हो, एंड जब भी आपका PC आप ऑन करते हो वो इसके अंदर आपको हमेशा दिखती रहेगी लूप पे, या तो फोटो लगा लो या वीडियो लगा लो, PC काफी एस्थेटिक हो जाता है ऐसे वाले AIO यूज करने से, और परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी आपको। अब प्रोसेसर तगड़ा ले लिया मेरे भाई, GPU भी बहुत तगड़ा यूज किया गया इसके अंदर, GPU है इसके अंदर 4070 Ti, गीगाबाइट का 4070 Ti इसके अंदर यूज किया गया है, OC वाला वेरिएंट है, तो 4070 Ti इसके अंदर ग्राफिक कार्ड यूज किया गया मेरे भाई, और पावर सप्लाई 750W की 80+ अपनी ब्रॉन्ज वाली यूज, 850W की पावर सप्लाई इसके अंदर यूज की गई है। और भाई सिस्टम के साथ जो गिफ्ट मिलने वाले आपको, दैट इज दिस रेड ड्रैगन का माउस, और ये अपना एक गेमिंग हेडफोन, मैकेनिकल कीबोर्ड, ठीक है, ये तीनों चीजें गिफ्ट मिलने वाली है आपको इसके साथ। तो ये हो गए हमारे सारे PC बिल्ड, लेके 30,000 से 1.8 लाख तक, और आपको इससे ऊपर के बिल्ड कराने तो आप कस्टमाइजेशन करा सकते हो। तो यार 4090 जैसे कार्ड्स के साथ भी हम PC बिल्ड करके देखते हैं, वो देखो गेमिंग एक्स्ट्रा MSI का रखा है 4090, उस कार्ड की जो प्राइसिंग मैं आपको दे दूंगा ना इस वीडियो के थ्रू दीपक भाई, इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर पे 1,80,000, अगर 1,80,000 में कोई दे दे ये कार्ड, मैं कह रहा हूँ मैं यही बैठा हूँ, आ जाना और मेरे से फ्री में ले जाना, क्योंकि भाई 4090 का इंपोर्ट भी 2 लाख से ऊपर का है, 2 लाख से ऊपर का आज के डेट में, मैं 1,80,000 में आपको कार्ड देने को तैयार हूँ, खाली कार्ड नहीं लेंगे PC बिल्ड के साथ। जो है साफ बता रहा हूँ मुंह पे, इतना बड़ा कार्ड है, मैं भी चाहता हूँ इसके भरोसे, इतना सस्ता अगर मैं दे रहा हूँ मार्केट में 2,10,000-15,000 का है, अगर मैं आपको 30-35,000 रुपए सस्ता दे रहा हूँ, तो मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत सिंपल सी है आपसे, आप इसको PC बनवा के ले जाओ मेरे से, ऐसा नहीं है कि बाकी कंपोनेंट्स में महंगे लगा दूंगा, नहीं, आप बैठो, आप मेरे से जेन्युइन कंपेयर करो, जेन्युइन जगह से मैं उसे सस्ता दूंगा बाकी कंपोनेंट्स भी और कार्ड भी भाई। तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं धीरज भाई, जो स्कैम अभी चल रहे हैं, कैसे स्कैम होता है, कैसे बच सकते हैं, सिंपल है दीपक भाई, देखो Ryzen 5 प्रोसेसर है, अब मान लो ये आता है हमारा 10,000 रुपए का, मान लो Ryzen 5 5500, ठीक है, अब देखो यार होता क्या, 10,000 रुपए का है, ठीक है 10,000 रुपए है, हमारी इंडस्ट्री में टैक्स है 18%, माइनस कर दिया मैंने 18%, कितना क्या कॉस्ट आ गई इसकी, 8,200 की, अब मान के चलो 8,200 की एक चीज में आ गई, मदरबोर्ड आता है इसका कम से कम भी नहीं तो 5100 रुपए का बेयर मिनिमम, उसमें से भी मैं 18% गैप कर देता हूँ, कितनी कॉस्ट आ गई, 41,000 पूरे PC बिल्ड में से 18%, हाँ मान के चलो किसी का 50,000 का PC बिल्ड है, माइनस कर दिया 18%, 41,000 रुपए कॉस्ट आ गई उसकी, तो आपको सस्ता क्यों नहीं मिलेगा मेरे भाई, सीधा 9,000 का प्रॉफिट हो गया, सीधा सीधा प्रॉफिट गया, वो यार वो कस्टमर का नुकसान है मेरे भाई, वो प्रॉफिट नहीं है कस्टमर का, कस्टमर का नहीं वो दुकानदार का, एग्जैक्टली कस्टमर का तो नुकसान हुआ मेरे भाई, एक होता है यार सस्ता बहुत सस्ता, तो बहुत सस्ते बचो, सस्ता ढूंढो, बहुत सस्ते से बचो, बस मैं इतना ही कहूंगा आप लोगों को, ठीक है, तो ये होता है इस तरीके से। और एक और होता है मतलब कोटेशन वगैरह लेके निकालते हैं मार्केट में, लेके निकालते हैं, जैसे कि मैंने बताया ना 10,000 की प्राइसिंग है Ryzen 5 5500 की, तो इसका GST हटा के 8,000 समथिंग आया था, तो लोग क्या करते हैं 8,000 रुपए लिख देते हैं कोटेशन में, कस्टमर सोचता है ये 8,000 का दे रहा है, वो ये नहीं बोलते कि लास्ट में टोटल में आपका GST ऐड होगा सर 18%, कोई बताता ही नहीं है, तो कस्टमर सोचते हैं भाई ये तो सारे कंपोनेंट सस्ते दे रहे हैं हर जगह से, तो चलो यहीं पे बनवा लेते हैं सिस्टम, उनके साथ अपलोड हो जाता है। तो भैया देखो फिर से मैं एक ही चीज कहूंगा, सस्ता ढूंढो, बहुत सस्ते से बचो, वरना आपके साथ हो जाएगा मोए मोए, और भाई का डायलॉग हो जाएगा सच मोए मोए, उन वाले भाई का नेहरू प्लेस घर का कलेश, फिर उनका डायलॉग हो जाएगा सच, तो बचो इस चीज से, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो में हमने सभी चीजों के बारे में बात की सर, जितने भी हमारे PC थे हम यहाँ पे लगा पाए उतने के बारे में बात की, जो भी आपकी स्पेशल कोटेशन है आपको PC बिल्ड कराना है आप WhatsApp पे बात कर सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं वहां से कॉल करके आप बात कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताना, तो मिलते हैं नेक्स्ट।
वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर देना भाई के चैनल को, और मोए मोए से बचो, मोए मोए से बचो, बिल्कुल यार। और भाई की वीडियो का जो लिटरली देख के तो आएंगे ही आएंगे, आई एम श्योर, बट जो आके दिखाएगा कि भाई मैं इस बंदे की वीडियो देख के आया हूँ, तो भाई बहुत प्राउड फील होगा और उसको एक्स्ट्रा गिफ्ट देगा दीपक भाई।